यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। जगदीश जगत के स्वामी प्रभु, जब जीवों के हित के लिए, जगत के हित के लिए, हित मने भलाई कल्याण के लिए इस धरती पर आना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई बहाना चाहते हैं, और बहाना चाहते हैं तो इसके लिए ये अपनी योग माया को आज्ञा देते हैं। योग माया आज्ञा प्रभु, मंच तैयार करो, कोई ऐसी घटना घटाओ जिससे कि मुझे धरती पर जाने का एक बहाना मिल जाए। तब प्रभु का रुख जान करके उनकी योग माया, ये उनकी शक्ति है, उनसे भिन्न नहीं है उनकी शक्ति, तो ये मंच रचना करती हैं, कुछ घटना घटा देती हैं और उसमें प्रभु को इस धरती पर आने का एक बहाना मिल जाता। सनकादिकों को सहसा, श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद में ये कथा बड़ी प्रख्यात है, जय विजय वाला प्रसंग। सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा सहसा बैकुंठ धाम द्वारे। जय और विजय के सन्मुख, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनको प्रेरणा करके अपने धाम बैकुंठ के दरवाजे पर बुला लेते हैं, ऐसी प्रेरणा करते हैं कि ब्रह्मलोक के निवासी श्री सनकादिक जी ब्रह्मलोक छोड़ करके और बैकुंठ की ओर अग्रसर होते हैं और वहां जाकर दरवाजे पर जो प्रवेश करना चाहते हैं, तब तक योग माया भगवान की प्रेरणा से द्वारपाल जय और विजय के द्वारा लाठी लगाकर रोकवा देते, ठहरो नंग धड़ंग बिना वस्त्र पहरे, बिना हमसे पूछे भीतर कैसे चले जा रहे हो, हम किस लिए खड़े हैं। लाठी लगा दिया, रोक दिया, बस। अब उनके अंतःकरण में कभी रोष नहीं आता, आना नहीं चाहिए, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति में, लेकिन आज योग माया ने प्रभु की रुचि जानकर, प्रभु का रुख जानकर और ऐसी प्रेरणा कर दी कि इनके द्वारा जय विजय के द्वारा लाठी लगाकर रोके जाने पर और उनके मन में आ गया रोष। ये अघट घटना, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अघट घटना घट गई। अच्छा, भगवान श्री हरि तुम्हारे स्वामी को पता चल जाए कि सनकादिक कुमार आए हैं, तो वे शेष सैया छोड़कर आकर मेरे चरण की धूली अपने मस्तक पर चढ़ावे, किरीट पर लगावे।
और अपने को भाग्यशाली बताऊं। तुम्हारे स्वामी तो इतना आदर देते हैं और तुम ऐसे शील सिंधु स्वामी के सेवक हो करके और हमको लाठी दिखा रहे, दंड दिखा रहे। हम दंड के अधिकारी हैं? नहीं, दंड दिखाकर तुमने उदंडता की, इसलिए दंड तुमको मिलेगा। और ये दंड देते हैं कि जाओ, तुम इस धाम में रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम धाम से धरती पर जाओ, और वो भी एक बार नहीं तीन बार जाओ। द्वारपाल हरि के प्रियदो मानस में संकेत किया गोस्वामी जी ने, द्वारपाल हरि के प्रियदो जय और विजय जान सबको, विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। तीन जन्म, पहला जन्म हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में अवतरित हुए, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। अब इस मंच की लीला प्रारंभ हो गई। प्रभु ने कहा कि देखो, घबराना नहीं, केवल तुम ही दोनों को नहीं भेज रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तुम हिरण्यकशिपु के रूप में चल रहे हो तो हम तुम्हारे लिए नरसिंह भगवान बन के आ रहे हैं। तुम हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हो रहे हो तो तुम्हारे लिए हम वराह रूप धारण करके आए। तुम रावण और कुंभकर्ण बन के चल रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए राम के रूप में आ रहा हूं। तुम शिशुपाल और दंतवक्त्र बन करके चल रहे हो तो हम तुम्हारे लिए श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने जा रहे हैं, लेकिन समय समय पर। ये पूर्व नियोजित योजना के अनुसार ठाकुर ने एक भूमिका बना ली और तीन जन्म का श्राप दिलवा लिया। अगर नहीं ऐसा हुआ होता तो हम लोग श्रीमद् भागवत में सप्ताह कथा में सात दिन क्या गाते, क्या सुनते, और कैसे उनकी चर्चा में हम लोग अपने को संलग्न करते। तो सनकादिकों को सहसा ताली कोई न बजाए, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। एक बार तो ये बहाना मिल गया, दूसरी बार नारद बाबा को उकसा देते, चलिए तपस्या करिए। तपस्या करने लग जाते हैं, देवराज इंद्र के मन में भय होता है कि तपस्या से दिव्य शक्ति प्राप्त करके कहीं मेरे इंद्रासन पर धावा न बोल दो। तो इंद्र कामदेव को भेजते हैं। इंद्र के भेजे हुए कामदेव ने नारद बाबा के भजन में विघ्न करने की बहुत कोशिश की, लेकिन डिगा नहीं सका। तो बाद में क्षमा मांगता है कामदेव, बाबा क्षमा करना, मैंने अपने मन से नहीं, इंद्र के कहने से आपके भजन में विक्षेप डालने की कोशिश की, आपको डिगाने की कोशिश की, लेकिन आप तो बड़े पक्के निकले, थोड़ी सराहना करा दी,
बस नारद जी के मन में ओहो मैं तो काम विजयी हो गया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। तो काम से तो पराजित नहीं हुए लेकिन अहंकार ने दबोच लिया। काम पर विजय तो शंकर जी ने भी प्राप्त किए थे लेकिन वो क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। उन्होंने तो अपने नेत्र की ज्वाला से, प्रति नेत्र की ज्वाला से कामदेव को जला दिया, लेकिन मैंने तो काम को भी जीता और मैंने क्रोध को भी जीता, मेरे मन में क्रोध भी नहीं आया। अब ये पता नहीं चल रहा है कि काम को तो जीता, क्रोध को तो जीता, लेकिन अहंकार चढ़ बैठा। ये कई भाई हैं, इनकी बड़ी भारी पलटन है। इससे नहीं काबू में आओगे तो वो दबोचेगा, उससे काबू में नहीं आओगे तो वो दबोचेगा, अहंकार। तब नारद गवने शि उपाही जीता काम, अहमित मनमाही। मैंने काम को भी जीता, मैंने क्रोध को भी जीता। अब चल के शंकर जी को सुनाओ कि आपका रिकॉर्ड बीट कर दिया मैंने, आपने तो काम ही को जीता था, क्रोध को तो नहीं जीत सके, क्रोधाभिभूत हो गए। लेकिन भोलेनाथ मैंने काम को भी जीता और मैंने क्रोध को भी जीता। शंकर भगवान झेपे, ऐसा क्यों हो रहा है? नारद जी के मन में ऐसा भाव कभी आना नहीं चाहिए। भगवती पार्वती जी पूछती हैं कि भोलेनाथ नारद जी के मन में ऐसा बात क्यों आ गई? तो श्री शंकर भगवान कहते हैं कि प्रभु ने अपनी योग माया को प्रेरित करके कोई लीला वैभव लेकर धरती पर आने की योजना बनाई होगी और उसमें वो बहाना खोज रहे होंगे कि धरती पर हमको जाने का अवसर मिले, तो उसमें नारद बाबा को पकड़ लिया होगा, इसी को, इन्हीं को बहाना बना करके अब प्रभु धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। ओ फिर तो ठीक है, नारद जी का पार्वती जी से संबंध है। क्या संबंध है? गुरु। नारद जी के ही उपदेश से पार्वती जी ने तपस्या की है, शंकर भगवान को प्राप्त किया है, विवाह हुआ है। तो भगवती पार्वती नारद जी को अपना गुरु भी मानती है। तो कहते हैं कि मेरे गुरु जी में तो कोई दोष नहीं आ सकता है, लेकिन गुरु जी में ये बात क्यों आ गई? तब बोले बिहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न खोय, जे जे जस रघुपति करही जब सो तस ते छन होय। रघुपति प्रभु सर्व और प्रेरक सर्व नियामक, भैया ये लाइट बंद कर दो। प्रभु ने नारद जी के लिए ऐसी योजना बनाई होगी कि नारद को इस बार इस अवतार में बहाना बनाऊं, बस नारद से काम विजयी। यहां तक तो नारद जी विजयी, और उसके बाद कर विवश, विवश कर दिया, बाध्य कर दिया उनको। किस लिए? ब्याह के हित। रास्ते में एक नगर दिखाई पड़ गया, ये प्रभु की रचना से। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी, विरचे मगमा नगर एक शत योजन विस्तार, श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। मुनि कौतुकी नगर ते गये, पूर्ववासिन सब पूछत भयो, ये कैसा नगर है भाई? हम तो इस रास्ते से कई बार गए हैं लेकिन कभी देखा नहीं, ये नगर यहां कहां से टपक पड़ा? अब नगरवासी तो प्रभु की माया के द्वारा रचे हुए हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं कि भगवान ने ये रचना कर दी है आपको मोह में डाल करके और आपके मुख से अपने लिए श्राप दिलवाना चाहते हैं धरती पर आने के लिए। ये सब नहीं बता करके
बल्कि वो कहते हैं कि महाराज ये नगर तो बड़ा प्रशस्त और यहाँ के राजा शील निधि उनकी एक बेटी है, उसका नाम है विश्वमोहिनी, उसका नाम है विश्वमोहिनी और उसका स्वयंवर हो रहा है। मैं भी देखूं उस विश्वमोहिनी को। देखिए राजा जी प्रसन्न होंगे। नारद जी गए, राजा जी ने आदर किया। ये सब भगवान की इच्छा से, भगवान के संकल्प से हो रहा है। आदर किया और आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार शील निधि। राजा ने अपनी राजकुमारी को दिखाया, प्रणाम करा, बेटी प्रणाम करो। नारद जी को प्रणाम किया। विश्वमोहिनी ने महाराज जरा इसकी हस्तरेखा देखी, इसके विवाह की चिंता लग रही है, तो कहा कि ठीक। रेखा देखने लग गए, रेखा बड़ी विलक्षण, जो इसका वर्ण करेगा वो अजर अमर होगा, उसको कोई जीत नहीं सकता है, सारा विश्व उसके अधीन होगा। ये सब लक्षण भगवान के हैं, लेकिन नारद जी ने सोचा कि ये लक्षण हम में आ जाए उसके लिए तो यही जरूरी है कि ये कन्या मेरा पानी मेरे गले में जयमाला डाल दे, मैं इसका पानी ग्रहण करूं, जो यही बरे ही अमर सोई होगी। अब ये सब क्यों हो रहा है? बोले कि प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती है, काम जिनका प्रभु रुख घटना अघट घटाना। बस नारद जी के मन में हो गया कि इसकी जयमाला मुझी को मिल जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान, कथा आपको मालूम है, बानर का रूप दे दिए और इनके बदले में भगवान स्वयं दुल्हा बन राजा बन करके आए, राजकुमार बन करके आए और उस विश्वमोहिनी कन्या ने भगवान के गले में जयमाला डाली। भगवान के गले में जयमाला पड़ी, भगवान लेके चले गए, तो भगवान की थी, उनकी लीला माया थी। नारद जी को इस बात पर रोष आया, क्षोभ आया और इसके बाद फिर रास्ते में भगवान मिलते हैं। बाबा किधर जा रहे हो? देखा गरुड़ जी पर बैठे हुए, अकेले नहीं, संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ रमा है, रमा माने लक्ष्मी जी, और दूसरी तरफ में सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी। नारद जी को आता है रोष, अच्छा मेरा एक ब्याह नहीं होने दिए और अपने दो दो, रमा और ये राजकुमारी, और राजकुमारी वही जो जिसको मैंने अपने लिए पसंद किया था उसको तुम लेकर के जा रहे हो, मैं शाप दूंगा। ठाकुर जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, तो योग माया ठीक काम कर रही है। अब बनी भूमिका, अब बना बहाना मेरे अवतार, ये शाप देंगे और इनका शाप पूरा करने के लिए नारद वचन सत्य सब करी हूँ, नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, और हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समूह।
देवताओं डरो मत, मैं नारद जी का वचन सत्य करने जा रहा हूं। अपनी शक्ति समेत अवतार लूंगा और भूमि के गरुआई मने वजन को भार को हरण करूंगा। बन गया बहाना, नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के, नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के, नारद से काम विजयी विजयी नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के, नारद से काम विजयी ब्याह के। हर गण को और हरि को, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। श्राप दिया, मेरी मनपसंद दुल्हन को तुम लिए जा रहे हो, मेरा एक ब्याह नहीं होने दिया आपने दो दो लेके जा रहे हो, और ऊपर से जले पर नमक छिड़क रहे हो। मुनि कहाँ चले, विकल की नहीं तुम्हारे यहां जा रहा था, तुमको श्राप देने के लिए जा रहा था, तुम्हारी खबर लेने के लिए जा रहा था। दीजिए श्राप। बोले बंचो मोहि जवन धरि देहा, ये राजकुमार का शरीर धारण करके तुमने मेरी प्रवंचना की है, मुझको धोखा दिया है और मुझको मेरी दुल्हन से, मनपसंद दुल्हन से वंचित कर दिया है, सोई तन धरो, यही शरीर इसी राजकुमार के रूप में आपको धरती पर जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा कि बन गया काम, बन गया काम, राजकुमार के रूप में धरती पर जाने के लिए बहाना मिल गया। उसके बाद ठीक, प्रभु ने अपनी माया को कहा कि अब चलो किनारे हो जाओ, बन गई भूमिका, अब किनारे हो जाओ। तब हरि माया दूर निवारी, श्राप दिया और माया को प्रभु ने कहा कि अब किनारे हो जाओ। तब हरि माया दूर निवारी, अब नारद जी क्या देखते हैं, नहीं तहरमा न राज कुमारी, न हरमा दिखाई पड़ रही है न राजकुमारी दिखाई पड़ रही है, अकेले भगवान और अकेले नारद जी। जैसे कोई नशा में अनाप शनाप बोल गया हो और नशा उतरने के बाद उसे होश आवे और कहे ये मैं क्या बोल गया, ऐसे ही नारद जी को हुआ है, मैं अपने प्रभु को कितना कठोर बोल गया। बंचे मुंह जवन धर देहा स्वेतन धरो साप मेहा, कपिया कर तुम किन हमारी, करें किस आय तुम्हारी, ममे उपकार की तुम्हारी, नार विरह तुम हो दुखारी। हाय हाय नाथ ये मैं क्या बोल गया। प्रभु कहते हैं कि जो कुछ बोल गए अपने मन से नहीं बोल गए, मैंने बोलवा लिया आपसे। ऐसा क्यों, ऐसा आपने क्यों किया प्रभु, आपने ऐसा क्यों कराया। कहा कि जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन
कोई चाहते बहाना। हे प्रभु, मैंने आपको इतनी गाली दी और आप नाराज नहीं हुए, कहा कि मुझे तो प्रसन्नता हो रही थी क्योंकि मेरे मन की होने जा रही है, मेरा मंच तैयार हो रहा है, मेरे लिए एक बहाना मिल रहा है जीवों के कल्याणार्थ धरती पर जाने का। जीव मेरे यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं अपने प्यारे पुत्रों को, इन जीवों को अपनाने के लिए मैं धरती पर आने की योजना बना रहा हूँ, और अब मौका मिल गया आपके वचन को पूरा करने के लिए। मैं धरती पर आऊँगा और राजकुमार के रूप में आऊँगा, मैं दशरथ राजकुमार। दशरथ राज दुलारे सिया संग झूले हो, दशरथ राज दुलारे सिया संग झूले हो। सरयू के किनारे हिडोला लगा, लीला जब होगी तब बहुत तरह की लीलाएं होंगी। राजकुमार के रूप में अवतरित होऊंगा, किस लिए? बोले नारद वचन सत्य सब करी हूं। नारद वचन ऐसा कहवाने की क्या जरूरत थी? बोले कि जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अब कहा कि नारद बाबा, मैं तो राजकुमार के रूप में आ जाऊंगा, लेकिन मेरी लीला के अगले भाग जिससे कि धरती का भार उतारने के लिए बहाना मिले, हमको दो और परिकर चाहिए जो हमसे टकराएं। एक का नाम रावण होना चाहिए और एक का नाम कुंभकर्ण होना चाहिए। बोले तो रावण और कुंभकर्ण के लिए, बोले उसके लिए भी कुछ आप युक्ति कर दीजिए। बस रास्ते में मिल गए वही दोनों रुद्रगण जिनने नारद जी के बानर वाले मुंह की हंसी उड़ाई थी, और नारद जी ने उनको भी शाप दिया है। मेरी हंसी उड़ाई तुमने, करे ही कूट नारद ही सुनाई। आ क्या सौंदर्य मिला, नीक दीन हरी सुंदरता। तो जाओ तुम राक्षस बनोगे, जाए निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। हंसे वो हमें बल्ले उठल, महात्मा को हंसने चले और ले उफल। हंसे वो हमें सो ले उफल, अब बहुरी हंसे वो मुनि को, फिर हिम्मत हो तो किसी महात्मा की हंसी उड़ाना। अरे बाबा, एक ही बार में जाने कौन गड्ढे में गिरे, अब कहाँ हिम्मत है जो किसी, बड़े जरूरत भी नहीं है। तो प्रभु को बहाना मिल गया, तो कहाँ रहे रुद्रगण ते जाने सभेव। उनको शाप दिया वही हरगण को और हरि को, शापित कभी कराने। आप लोग सोच रहे होंगे कि बैनर में गोपी उद्धव संवाद लिखा हुआ है और ये जय और विजय की कथा लेकर बैठ गए, ये नारद और रुद्रगण की कथा लेकर बैठ गए। तो अब तीसरी बार की भूमिका में वो प्रसंग अब आने जा रहा है जिसमें गोपियों को भी धरती पर आने का मौका मिलेगा और उद्धव को भी धरती पर आने का मौका मिलेगा। बिरजा के कुंज क्रीड़ा, बिरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री राम के बिरह मिस। बिरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री राम के बिरह, बिरजा के कुंज क्रीड़ा,
श्री दाम के विरह मिस मिर्जा की कुंज पीड़ा श्री दाम के विरह गोपी विरह दशा के गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना 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 जगदीश जग जगत में आना जगदीश जग कहित जब चाहे जगत में आना अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना ये गोपी विरह दशा और उस विरह दशा में जाओ मेरे प्यारे मित्र उद्धव समझाओ उन विरही गोप गोपियों को तो ये दशा आएगी तब न तो दशा कैसे आएगी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।